नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के कुंडल दो पंचायत अंतर्गत आने वाले क्षेत्र राजघाट के स्थानीय ग्रामीण लोग वर्तमान जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से विकास की बाट जोते जोते तंग आकर अपने लिए नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो वहां से हमारे संवाददाता श्रीराम सिंह ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, तो क्या कुछ ग्रामीणों ने कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव की रणभेरी बस बजने ही वाली है। कमर कस के सारे चुनाव योद्धाओं की पूरी तैयारी है। कौन जीतेंगे यहाँ से ये बताएंगे जनता कि इस बार किसकी बारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूँ आपके साथ श्रीराम सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के कुंडलपुर पंचायत में। ये राजघाट का इलाका पड़ता है, यहाँ दलितों की और मल्लाहों की आबादी है, और मैं यहाँ जानने पहुँचा हूँ कि विकास क्या हुआ है इन 10 सालों में, और यहाँ के जनता से मैं जानूँगा कि ये जो सुखाड़ और दहाड़ का इनका जो परंपरा पिछले कई सदियों से चलते आ रहा है, सरकार के द्वारा क्या क्या मिला इनको इस आपदा में और कोरोना जैसी महामारी में। सरकार सिंघिया प्रखंड में पड़ने वाला ये राजघाट का इलाका काफ़ी पिछड़ी इलाकों में गिनती होती है इसकी। यहाँ की जो 80% आबादी का जो जरिया है, मुख्य रूप से खेती पर ही ये लोग निर्भर करते हैं, और यहाँ का जो 80% आबादी है इनके पास कोई जमीन, अपनी जमीन नहीं है। ये लोग यहाँ पर जो वाटरवेज की ज़मीन है उस पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं, और सरकार से भी इनको कोई सहायता या कोई प्रकार का अनुदान या किस प्रकार की जो है योजना का लाभ जो है इनको नहीं मिल पा रहा है। जो नए नए जनप्रतिनिधि है क्षेत्र में आएंगे और कुछ न कुछ नए नए वादे करेंगे, जनता को अपनी ओर जो है खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन जानते हैं जनता से कि क्या इन 10 सालों में इस क्षेत्र में विकास हुआ है। जानेंगे उनसे कि क्या उनकी शिक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी हो चुकी है। आइए जानते हैं जनता से। क्या नाम हुआ आपका? जो बाढ़ यहाँ आया था आपके, क्या कोई सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि या जो क्षेत्र के जन प्रतिनिधि आए थे क्या मिलने आप? कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं दिया हमको, कोई भी साथ नहीं दिया। पानी इतना था घर में, लड़का बच्चा को ये जो मीठा लगा कर को, चौकी लगा कर को रखे, मुखिया सरपंच वार्ड कमिश्नर जितना था एसिया प्रखंड ब्लॉक का, वो कोई भी हमको सहायता नहीं लिया। बस अब चुनाव आने वाला है, 10 साल जो विकास हुआ है उससे खुश है? विकास से खुश है? इतना बार ये राजघाट में जो बाढ़ आया ने, इतना घोषित किया तो कुछ भी नहीं दिया। इस बार में किसी का 6,000 रुपया मिला, किसी को नहीं मिला, बस इतना ही है, इससे कुछ भी नहीं दिया। काफी फोकस रहता है, काफी महिलाओं के विकास कार्य के लिए काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या नीतीश कुमार जी को चुन रहे हैं या कोई नई विकल्प है आपके पास? नीतीश कुमार नहीं देखा सर, हम ये कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हम जान भी नहीं सकते हैं। वो समय आएगा चुनाव को, तभी चुने हैं किसी को, तब तक नहीं सकते। क्या नाम हुआ? क्या जो है विकास कार्य से खुश है? कुछ नहीं मिलता है, राशन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? कुछ राशन मिल रहा है। 5 सदस्य है, उसमें 1 सदस्य को सदस्य। सरकार जो अभी जो वर्तमान सरकार है उससे खुश है आप लोग? कैसे खुश है, लॉकडाउन भी हुआ तो उसने भी नहीं बोला तो 5 सदस्य है या 10 सदस्य है, उसमें से 2 सदस्य को दे रहा है राशन, कैसे आप ही बताइए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद राजघाट। और जो विकास कार्य है उससे बहुत खुश है? बहुत खुश है। सब चीज मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विधायक तो खोजने भी नहीं आया, डूबा की फंसा। विधायक भी कितने दिन से नहीं देखे? बहुत दिन से नहीं आ रहा।
कभी ऐबे नहीं किया है। दस साल में कभी नहीं, नहीं कभी नहीं आया राजघाट को देखने के लिए कि जनता जिंदा है कि मर गया कि किस हाल में है, नहीं है। अच्छा आपके यहाँ बाढ़ है, बाढ़ में कैसे आप लोग कैसे? हम लोग बाढ़ में ईटा जोड़ को घर चौकी पर चौकी जोड़ कर रहे, घर गिर गया, मकान गिर गया, पन्नी भी नहीं कुछ मिला कहीं से, कोई मिला सर कोई नहीं, सरकार से कोई सहायता कोई विकल्प करा रहे हैं क्या? जो मुखिया सरपंच बाढ़ कोई 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 देखने नहीं, कोई देखने नहीं। देख रहे हैं आप कि ऐसा कहना है कि किसी से कुछ मिला नहीं, ना कोई सहायता, ना कुछ अनुदान और ना कोई सहयोग। सहयोग की आशा तो लोग कर ही रहे थे कि जहाँ सांसद, विधायक और मुखिया जो उनको सहयोग करेंगे, जो उनको सहायता करेंगे, आपदा के समय में, विपदा के समय में वो भी नजर रखते हैं। आखिर भरोसा करें किस पर करें? ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम हुआ? विकास कार्यों से खुश है? सर की किसी सड़कों की स्थिति ठीक है? यहाँ यहाँ दोष गलत है। शिक्षा? शिक्षा उत्साह में भी प्रॉब्लम। बिजली? बिजली में भी। पानी? पानी तो है ही नहीं, पानी नहीं। तो बीच में बाढ़ आया था आपके, आप लोग को कोई सहायता मिला सरकार? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक? सांसद और विधायक ये लोग तो कभी आता ही नहीं। अच्छा, कभी से तो नहीं आता? कभी नहीं आता है। हमारे यहाँ वार्ड है, मुखिया है, ये जो है से दोनों का तालमेल है, ये लोग जो है मतलब किसी को दिलाया, मतलब वार्ड मुखिया ही आपस में ही सब तालमेल कर लेते हैं। अब किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ये स्थिति है यहाँ का। तो यहाँ के यहाँ जो क्षति उति हुई है, तो क्षति को भी आकलन करने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो सरकार से संतुष्ट है? जब कुछ फायदा ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप विकल्प तलाश रहे? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव काफी नजदीक है, विकास कार्य से लोग बदली गया होगा, और जो यहाँ की स्थिति है मैं आपको बतला दूं कि ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो विधानसभा में ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मैंने यहाँ से इसलिए शुरुआत किया था क्योंकि मैं जानना चाहता था यहाँ के लोकल, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका क्या कहना है सरकार के प्रति और विकास के प्रति। विकास पुरुष होने का जो दावा सरकार करती है, विकास के बड़े बड़े जो दावे सरकार करती है, क्या विकास की जो लॉ है क्षेत्र में पहुंची या नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, और इसके लिए जिम्मेवार है तो कौन है? धन्यवाद, बने रहिए।